अभी पिछले पिछले टॉपिक में आए थर्म का, हमने इसके जानकारी ली थी। उसके बाद मैनुअल कैसे डाउनलोड करना है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, उसको वोल्टेज कनेक्ट कर, आपको 230 होल्ट लगता है, तो ये इसका ये वोल्टेज है, मैं यहाँ कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने सप्लाई कनेक्ट 230 होल्ट कनेक्ट कर लिया है, मैं आपको इसको सप्लाई दे दूँगा बोर्ड से, तो यहाँ पर ऑन हो जाएगा। ये अभी आई थर्म का अभी कनेक्ट वायर कनेक्ट किए, मैं उसको सप्लाई दे देता हूँ। यहाँ पे आपका उसका वर्जन दिखाएगा, P1 दिखाएगा, और आपका लास्ट टाइम जो उसके अंदर था अभी 2 दिखा रहा है। इसके अंदर 2 होल वोल्टेज का फॉर्मेट में लिए थे हमने, 02 हमने उसका फॉर्मेट ले लिया था, 02 कर दो। अभी इसका प्रोग्राम कैसा करते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ फर्स्ट पूरा प्रोग्राम दिया है, एंटर द दिस मॉड्यूल, प्रेस द होल्ड सेट एंड अप की साइमल्टेनियसली फॉर 3 सेकंड। 3 सेकंड के लिए आपको क्या करना है, ये सेट किए ये अप किए, ये 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है, या इनपुट नाम आ जाएगा, येलो सी नाम आ गया। ये इसके अंदर फिर क्या डालना है, वो डिफॉल्ट सेटिंग में 15 लिखा है, तो आपको यहाँ क्या डालना है, पैरामीटर सेट करने के लिए 15 डालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 15। ओके, यहाँ सेट करने के बाद आपको ये इनपुट नाम दिखाएगा, आप इसको कितना इनपुट देने वाले, 0 to 10 देने वाले, तो आपको 0 to, आपको यहाँ के आप क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ 0 to 1 सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद 0 to 3.3 कर सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद 0.5 वोल्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, 0.10 वोल्ट सेलेक्ट करते हैं, और 0 to 20 mA सेलेक्ट कर सकते हैं, और या 4 to 20 mA सेलेक्ट करते हैं। फिलहाल तो हमारे पास ये लेवल सेंसर है, जो लेवल सेंसर है ये लेवल सेंसर कितने इस 0 to 10 का है, तो हम इसके 0 to 10 का कैलिब्रेशन करने वाले। तो मैं यहाँ आपका 0 to 10 रखने वाला हूँ, तो उसके बाद क्या करें, बटन सेलेक्ट करना है, यहाँ रिसेट बोलता है, रिसेट आपको जितना नहीं रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन आपको ये पॉइंट में, यहाँ पे 0 पॉइंट दिख रहा है, फिर मैं पॉइंट पॉइंट के अंदर कितना 0 चाहिए, तो यह आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डाउन फिर आपको 1 ही चाहिए, हम 1 कर सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद ये लो बताता है, आपको लो वोल्टेज कितना चाहिए, तो लो वोल्टेज मुझे 2 चाहिए, मेरा ये 0 रहने के बाद 2 देता है, 2। उसके बाद हमें क्या करना है, उसको 0 रखना है, 0 के बाद उसको हाई करना है, हाई वोल्टेज कितना देता है हमारा, वो 100% होने के बाद लेवल सेंसर 10 होल्ट देता है, तो 10 वोल्ट यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये क्या है, डायरेक्शन है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है वो रखना है। उसके बाद ऑफसेट, ऑफसेट कितना है, 0 ही है, तो 0 आपको ऑफसेट क्या करना है, 0 रखना है, और फिल्टर कितना है, 1 है, तो 1 से हम रखेंगे, फिर ये लॉक हो जाएंगे, जितने पैरामीटर जाए 15 डालने के बाद ये सब पैरामीटर लॉक हो जाएंगे। अभी यहाँ पे कोई ये कनेक्ट नहीं किया, मैं आपको यहाँ पे ये क्या है, वो मिली एम्पियर और वोल्टेज है, 1 2 3, तो अभी मैं वोल्टेज कनेक्ट करने का हो, 2 और 3 को हम वोल्टेज, 3 को प्लस का वोल्टेज का प्लस कनेक्ट करेंगे, और 2 को 0 माइनस का कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये आपका लेवल सेंसर है और प्रोसेस इंडिकेटर है, यहाँ से 2 वायर यहाँ प्रोसेस इंडिकेटर को दिए 0 to 10, अभी ये 100% है, तो आपको 9.9 दिखा रहा है, जैसे मैं उसको ऊपर ऊपर उठाऊंगा तो इसका भी वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी देखिए आप, जैसे मैं अभी ये क्या हो रहा है, कम कम हो रहा है, अभी ये वोल्टेज के फॉर्मेट में आपको दिखा रहा है, तो अभी ये 7.2 7 पॉइंट नीचे नीचे आ रहा है, यहाँ से भी क्या नीचे आ रहा है, ये 60 बता रहा है आप, 58 57 इधर 60, आपका ये वोल्टेज है ये परसेंट पे, तो अभी ये इसको आपको सेम यहाँ पे शो करना है, अभी ये वोल्टेज के फॉर्मेट में आपको ये डिस्प्ले का जो यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ पे शो करना है, तो उसका स्केलिंग करनी पड़ती, तो स्केलिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो ये 2 बार आपको क्या करना पड़ेगा, ये जब कोई आपको 100 यहाँ शो करना चाहिए, तो इसका स्केलिंग करना पड़ेगा आपको, स्केलिंग करना पड़ेगा आपको, शेड बटन क्या करना है, प्रेस करना है 2 3 सेकंड के लिए, उसके बाद लॉग आ जाए, यहाँ पे 15 डालना है आपको, 15 सेट करने के बाद आपको सेट करना है, इनपुट बोलेगा 0 to 10 देता है हमारा, सही है, 0 में रीसेट करना है इसको, पॉइंट ये रखना है, लो लेवल हमारे कितना है, 0 ही है, 0 रखना है, हाई लेवल कितना है, 10 था, तो यहाँ हम क्या करेंगे अभी 100 करेंगे, तो आपका जो ये वैल्यू सेम यहाँ पे प्रोसेस इंडिकेटर आपको शो करेगा, वो 100 करने के बाद
आपको उसको क्या करना है, सेट करना है। हंड्रेड सेट हुआ, फिर सेट करना है आपको उसका डिक्लेरेशन सर्कल। ऑफसेट आपको जीरो रखना है, फिल्टर भी वन रखना है, लॉक फिर 15 है। तो अभी आपको 90.8 दिखा रहा है। जैसे मैं अभी इसको ऊपर उठाऊंगा तो जैसे जो सेम वैल्यू है आपको आपको क्या करेगा, वो वैल्यू आपके डिस्प्ले पे शो करेगा। अभी अभी क्या आपका कम कम हो रहा है, 90.9 दिखा रहा है। जैसे अभी स्टेबल होऊंगा तो जो अभी उधर कितना है 86, 85, तो यह भी आपको 88, 84 के लगभग का उसकी प्रॉपर स्केलिंग करना पड़ेगा, तभी आपको पूरा का पूरा सही सही दिखाएगा। ओके, थैंक यू।